मॉम का शेर। सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के पास पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद करके एक नकली शेर लेकर आया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को बिना छुए शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। पिंजरे के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका दिया जाएगा। अकबर बादशाह काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल काम है। अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की बहुत बदनामी होगी। यह सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई तुम में से जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह कैसे संभव होगा। अकबर के पूछने पर जब किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में उस समय मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन अफसोस, बीरबल उस समय राज्य के ही किसी काम से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाएगा। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास भी इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब नहीं है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को इतना परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, जहां बना क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अकबर बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी हुई सारी पहेली के बारे में बीरबल को बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हो गए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई दूसरा नहीं था, और अकबर बादशाह को भी बीरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें दो सुरगती हुई लोहे की छड़ और सरिये की आवश्यकता है। सहनशाह ने तुरंत उसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ें मिल गईं, तो उन्होंने पिंजरे को बिना छुए छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ को लगते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो शेर मोम का था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकलकर इकट्ठा हो गया। बीरबल की इस अकलमंदी पर अकबर बहुत खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि यह पिंजरे के अंदर शेर मोम का है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हुजूर बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। और साथ ही राजा ने यह भी बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी, और उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य में वापस लौट आया
और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।